नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 1 सितंबर 2024 के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। सोमवार को स्कूल छुट्टी, ट्रेनें भी कैंसिल, कागजनगर एक्सप्रेस को भी किया गया रद्द, बारिश को लेकर कंट्रोल रूम तैयार, एसपीएम में होंगे यूनियन चुनाव। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश का अनुमान होने के कारण तेलंगाना राज्य सरकार ने सोमवार को यानी कल 2 सितंबर को स्कूल्स की छुट्टी का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, कल यानी सोमवार को स्कूल की छुट्टी रहेगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि अपना ध्यान और खास करके छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखें। हमारे कागजनगर से हैदराबाद चलने वाली कागजनगर एक्सप्रेस को भी 7 अक्टूबर तक कैंसिल कर दिया गया है। कारण बताया गया है कि हसनपरती रोड से काजीपेट एफ कैबिन जंक्शन तक चौथी लाइन का काम किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ 2 लाइनों को ही चालू रखा जाएगा, बाकी लाइनें बंद रहने से ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए कागजनगर एक्सप्रेस और काजीपेट बल्लारशाह एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों को 8 अक्टूबर से फिर से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, भारी बारिश हो रही है, स्कूल बंद है, ट्रेन बंद है, गणेश की छुट्टी आने को है, ऐसे में सावधानी से सफर करें। हमारे कागजनगर से हैदराबाद चलने वाली कागजनगर एक्सप्रेस को भी 7 अक्टूबर तक कैंसिल कर दिया गया है। कारण बताया गया है कि हसनपरती रोड से काजीपेट एफ कैबिन जंक्शन तक चौथी लाइन का काम किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ 2 लाइनों को ही चालू रखा जाएगा, बाकी लाइनें बंद रहने से ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए कागजनगर एक्सप्रेस और काजीपेट बल्लारशाह एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों को 8 अक्टूबर से फिर से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, भारी बारिश हो रही है, स्कूल बंद है, ट्रेन बंद है, गणेश की छुट्टी आने को है, ऐसे में सावधानी से सफर करें। इस भारी बरसात के चलते प्रशासन ने भी कंट्रोल रूम बना लिया है। बारिश में आड़ा डैम भी भर गया है, इसके 3 गेट खोल दिए गए हैं, इससे पेद्दावागु में पानी का लेवल बढ़ने वाला है। कंट्रोल रूम में आज कलेक्टर और एसपी साहब ने दौरा किया और सारी चीजों की चेकिंग की। हेल्थ डिपार्टमेंट भी सीजनल बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन सारी बीमारियों से बचने के उपाय ढूंढने में जुड़ी हुई है। आगे के समाचार देखने से पहले, अगर दर्शकों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को कागजनगर की न्यूज से अवगत कराना चाहते हैं तो उन्हें वीडियो शेयर जरूर करिए। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। अब पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी कि चुनाव की मार्केट में तड़का लग गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर सुनीता जी ने कागजनगर पेपर मिल के 15 से ज्यादा यूनियनों को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में सुनीता जी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगा है। इसी के साथ एसपीएम में यूनियन चुनावों का आगाज हो चुका है। सभी यूनियन अपने अपने रिकॉर्ड लेकर हैदराबाद और आदिलाबाद के लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर काटने में लगे हैं। एसपीएम के लेबर्स में भी यूनियन चुनावों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, एसपीएम में कौन अपनी यूनियन बनाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइए। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।